उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सहकारी सभा BDTS भरमाणा की मैनेजमेंट पंगु बनकर रह गई है, जिस कारण BDTS भरमाणा की मैनेजमेंट पर सीमित कंपनी प्रबंधन हावी हो गया है। ये आरोप BDTS भरमाणा के पूर्व प्रधान लेखराम वर्मा व पूर्व महासचिव राजपाल गौतम ने यहां आयोजित प्रेस वार्ता में लगाया। उन्होंने कहा कि COVID-19 की आड़ में BDTS भरमाणा की मैनेजमेंट ट्रक ऑपरेटरों के हितों को दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते BDTS भरमाणा की मैनेजमेंट ने ट्रक ऑपरेटरों के हितों को पूरा करने के लिए एकजुटता से प्रयास नहीं किए तो आने वाले समय में ट्रक ऑपरेटरों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज गाड़ियों की ऑनलाइन डिमांड हो रही है, जिसका वे समर्थन करते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज डंपों पर समय पर गाड़ियां अनलोड नहीं हो रही तथा सिविल सप्लाई के किराए में वर्ष 2013 के बाद एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि इस दौरान डीजल बन या कलपुर्जों के रेटों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बरमाणा स्थित डिमांड हॉल में एक वर्ष से ताला लगा हुआ है तथा यहां पर धूल का साम्राज्य व्याप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि डिमांड पठानकोट की होती है, लेकिन सीमेंट कहीं और उतारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिमांड जोगिंदरनगर की होती है और सीमेंट दनोटू में उतारा जा रहा तथा वहां से एक ठेकेदार की गाड़ी सीमेंट डुलान कर रही है। उन्होंने कहा कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने पर किराया बढ़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटरों को पेमेंट की डिटेल नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवरों के लिए चिन्हित ढाबों की स्थिति देखने के लिए इनके निरीक्षण किए जाने चाहिए कि वहां पर व्यवस्था कैसी है, ताकि ट्रक ड्राइवर कोविड से बचा रहे। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मैनेजमेंट ने सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में सीमेंट प्रबंधन और ज्यादा हावी हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में BDTS मैनेजमेंट के पास हाथ मलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसी महीने BDTS मैनेजमेंट का सीमेंट कंपनी के साथ ढुलान का 5 वर्ष का एग्रीमेंट होना है, लिहाजा BDTS मैनेजमेंट सही ढंग से इसकी तैयारी कर ले तथा BDTS भरमाणा में व्याप्त खामियों को जल्द दुरुस्त करे तथा BDTS डिमांड हॉल को तुरंत खोले और ट्रक ड्राइवरों की समस्या के निदान के लिए शिकायत बॉक्स लगाए और डिमांड को BDTS भरमाणा के परिसर में डिस्प्ले करे। जो आज इसमें आए हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ACC अपनी मनमानी चलाने में बाज आ जाएं। ये मत समझे कि BDTS के मैनेजमेंट या BDTS के लोग कमजोर हैं। हमने इस कोविड के स्वागत किया था उस गाइडलाइन का, सरकार की उस गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए इतना पीरियड एक वर्ष हमने व्यतीत किया, और कैसे किया वो हम जान रहे हैं कि आपकी मनमानी, आपने जो अनियमितताएं पेमेंट की, हमारी पेमेंटें छोड़ दी, काट ली, और जिसकी हम छानबीन करके के बाद वो पूरी करी आपसे, कैसे करी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उस मनमानी को वो बंद करें। ACC BDTS को अक्षम जो कहने में आज मुंह खोल रही है, हम BDTS की मैनेजमेंट से भी कहना चाहते हैं कि वो BDTS की तत्कालीन आज तक जो इतिहास रहा है उसको याद करें, वो भूले ना कि कोविड के बहाने से लोग घर चले गए हैं। लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि बरमाणा आपकी संस्था है, वहाँ लाखों लाखों लोगों का रोजगार है, वो हमारी माँ के समान है जो पालती है, और उसका हम संस्था के लिए एकजुट हैं, और उसके लिए एकजुट होने के लिए बरमाणा भी देखो, ऑनलाइन का सिस्टम ये गलत है कि ऑनलाइन इस तरह की ऑनलाइन नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो गाड़ियां वहां रेगुलर आना चाह रहे हैं आदमी और आते हैं, उनकी व्यवस्था वो ताले खोल दें, और एक साल से ताले बंद है। तमाम संस्थाओं की तरह गैर सरकारी, सरकारी, प्राइवेट संस्था जैसे चली हुई है, ऑफिस खुले हैं, शहर बाजार खुले हैं, मेले लगे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि मद्देनजर गाइडलाइन को रखते हुए उस संस्था का संचालन जैसे होना चाहिए वैसे वहां हो, सैनिटाइज हो, ढाबे सैनिटाइज हो, ड्राइवरों के लिए वो जो कमांडर वहां सरकार की तरह गाइडलाइन से जो प्रशासन से वहां होना चाहिए, वहां नियुक्त वो उनकी नजर में रहना चाहिए। वो खंडहर बनने की स्थिति में आ गया है, हमें बड़ा दुख हो रहा है। मैनेजमेंट चुस्त दुरुस्त हो जाए, बिल्कुल हम उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट है हमारी, लेकिन वो ACC से अगर बाउंड बन रही है हम कदाचित सहन नहीं करेंगे, और उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और प्रशासन और ऑनलाइन का इसका हम इस समर्थन करते हैं, जो नहीं आ सकते हैं, जिनको दिक्कत है वो उस दिन अपनी गाड़ी को कटवा ले बेशक, लेकिन बरमाणा को भूले मत। समय बड़ा नाजुक आ रहा है, और मनमानी इंडस्ट्रियलिस्ट तमाम हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट मनमानी कर रहे हैं। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, जैसे पिछले वर्षों दशकों से सरकार का संरक्षण, इस पर लाखों लाखों रोजगार, लोगों को रोजगार
चालकों परिचालकों और मालकों को दे रही है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका रोजगार मिल रहा है उस पर पूरा संरक्षण था, वैसा ही हम आज भी उम्मीद करते हैं। वो पूरी इंडस्ट्रीज की मनमानी के लिए उनको भी सचेत करें और सरकार पूरा आशीर्वाद उसी बात में रखे कि यहाँ रोजगार को बचाए रखे, और ये भी हम सरकार के दिमाग में और ध्यान में डालना चाहते हैं इस बात को। और बीडीटीएस की मैनेजमेंट वो वहां व्यवस्था बैठने की कर लें, वो ताड़े साल से बंद है दरवाजे उनको खोल दें, वहां आप गाइडलाइन के अनुसार बैठने की व्यवस्था हजारों में है, और ऑनलाइन को उसको पिक्चर में लाया जाए उसको दीवार पे, उसमें जैसे 1998 में भी ऑनलाइन हुई थी तो उसमें लगता था पहले कि कहाँ की डिमांड होनी है क्या होना, तो उसको पूर्ण रूप दिया जाए जो हमने उनको गाइड किया है जिस ढंग से। तो हम ऑनलाइन का कोई ऐसा नहीं है, जो नहीं आना चाहता है, जो आना चाहता है उसकी व्यवस्था हो, मालिकों को जो और चालकों प्रचालकों को बैठने की व्यवस्था हो, पंखों की व्यवस्था है, गर्मी के दिन आने वाले हैं उनकी व्यवस्था करें वहां। जो बैंकों में आ रहे हैं और हमें डिटेलें नहीं दी जा रही, हमारी पेमेंट छोड़ रही है सरकार, ये अपने सॉरी प्रबंधन वर्ग ACC, तो इसके लिए हम आपसे ये आज कहना चाहते हैं कि ACC मैनेजमेंट जरा होश आ जाए और ये हमें इसमें अक्षम ना समझे और BDTS मैनेजमेंट चुस्त दुरुस्त हो जाए, एकजुट है, एकजुट रहेंगे।